नहीं शहजाद, देखिए अगेन मैं ये बात कहूँगी कि अगर हालात और मामलात इतने सिंपल होते तो मेरे ख्याल है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कौम से ख़ताब ना करते और नेशनल मीडिया पे आके इमरान ख़ान साहब को ऑफ़र ना करते डायलॉग की और ये जुडिशल कमीशन बनाने की बात ना करते। तो ठीक है, टॉक शोज़ पे बैठ के PMLN के नुमाइंदे ये बातें कर सकते हैं कि जी ठीक है आएँ खाएँ फिर चले जाएँ, लेकिन ये हम भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मामलात जो हैं ना ही इतने सिंपल हैं और ना ही इतने नाजुक हैं कि ऐसी मार्चेस से या ऐसी डिमांड से हुकूमतें चली जाएं। लेकिन मसला वो ये जो मैंने शुरुआत में आपको कहा कि इस पूरी सिचुएशन को, इन मुतालबात को बहुत मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, भोंडे तरीके से हैंडल किया गया है। पहले तो नवाज शरीफ साहब ने और उनकी हुकूमत ने, उनके एडवाइजर्स ने, जो भी उनको एडवाइस करते हैं, बिल्कुल इन डिमांड्स पे कान तक नहीं धरा। और जब मामलात और हालात सर पे से गुजर गए, टू मच वाटर हैज़ गॉन डाउन द ब्रिज, लेकिन अब जाके उनको ये ख्याल आया कि नहीं जी, कि अब तो मार्चेस हो रही हैं, फिर ताहिरुल कादरी साहब आ गए, मॉडल टाउन के अंदर स्ट्रेट फायर किए गए, वहाँ लोग शहीद किए गए, तो अब ऐसे हालात हो गए जहाँ पर डेफिनेटली इनको अब कुछ ना कुछ लाए अमल तय करके अब ये तैयार रहें कि अब ये जो डिमांड्स आने वाली हैं सामने, अब ये कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल होंगी, कितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगी, किस किस कौन कौन सी डिमांड्स को ये हल कर सकते हैं। आई एम श्योर इस वक्त भी एज वी स्पीक कहीं ना कहीं बैक डोर चैनल से कोई ना कोई मीडिएशन हो रही होगी कहीं ना कहीं, चाहे उसमें सियासी रहनुमा हों शामिल। देखें ना, आसिफ अली जरदारी साहब भी अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जो एक जमहूरी सोच रखने वाले आइनी सदर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चारों सूबों की जंजीर है उसके सरबरा हैं, और उनकी कोशिश ये है कि जिस तरीके से उन्होंने और पार्टी के लीडरान ने बेशुमार जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो नहीं चाहते जमहूरियत डरेल हो, वो भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, कमेटी उन्होंने बनाई है। इसके साथ साथ आई एम श्योर के PMLN के लोग भी यहाँ वहाँ जमात इस्लामी है, दीगर लोग हैं, उनके जरिए बातचीत तो हो रही है ना। अब किस हद तक ये इसको डिफ्यूज कर सके, लेकिन मार्च तो हुई इस वक्त, या इससे पहले जो ये बात थी कि इमरान खान साहब मार्च ना करें, उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड होता अगर वो मार्च ना करते, इस्लामाबाद ना आते। ताहिरुल कादरी की गुफ्तगू में हमने एक हल्का सा यूटर्न जरूर देखा कि जी पूरा मन होंगे, ये होंगे वो होंगे, पहले बड़ी इश्तियाल अंगेज बातें वो करते थे। इसी तरीके से इस तमाम मामलात को बहुत रिस्ट्रेंड के साथ, और ये रिस्ट्रेंड खास तौर पे आनी चाहिए हुकूमत की जानब से, इदारों की जानब से, कि बड़े रिस्ट्रेंड से इसको डील करें। अभी आके तो बैठेंगे, चाहे वो मरगला में बैठे हैं, वो दूर हो, इन द मिडल ऑफ नोवेयर हो, लेकिन आके तो बैठेंगे ना। एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके फॉलोअर्स हैं, 20-25-30-50 हज़ार भी आके बैठ गए ना इस्लामाबाद के किसी भी कोने में, तो जाहिर ही बात है ना, एक इशू तो है, द गवर्नमेंट हैज़ टू डील विद इट, मसला तो है। ये आप इसको ये ना, बिल्कुल।